पोहा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं पोहा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और पोहा को ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं, पर कई ऐसे लोग भी हैं जो इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पर या कोई छोटी मोटी भूख जब दिन में लगती है तो भी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी लंबे टूर पर जाते हैं और आपके सामने खाने को लेकर होता है कि आप खाने में कोई चीज़ ऐसी बनाकर लेके जाएं जो हेल्दी भी हो और जल्दी भी बनने वाली हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपका। तो आप इसे बनाकर लेके जा सकते हैं और ये जल्दी ख़राब ही नहीं होता है। गर्मियों में भी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तब भी ये 5 से 6 घंटे तक आराम से चलता है हमारा सफ़र में, और सर्दियों में तो पूरा दिन ही निकल जाता है। पूरे दिन ये ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसे बनाएंगे अपने किचन के अंदर, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको यही कहूंगी व्यूअर्स कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलें। स्वागत है आपका शिफालिस किचन में, मैं भावना गोयल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया, आप किसी भी पैन का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल लिया है, आप कोई किसी भी तरह का ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सरसों के बीज डाले हैं, जिसे हम मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। और मैं इसमें 5 से 6 लीव्स जो हैं कड़ी लीव्स डाल रही हूँ। और मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड किया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे घी के अंदर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है, और न्यू कमर्स इसको, जो बिल्कुल किचन में न्यू होते हैं, जो जिन्हें कुछ आता नहीं है बनाना, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, बनाना बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें, मैंने यहाँ पर एक छोटा प्याज लिया है और मैंने 1/2 शिमला मिर्च ली है, छोटी छोटी बारीक बारीक काट कर। और मैंने 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर बीन्स ली है। आप इसमें किसी भी सब्जी का यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें गाजर का यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम का यूज़ कर सकते हैं, मटर का यूज़ कर सकते हैं, पनीर का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसको, कोई भी जो भी आपको वेजिटेबल अच्छी लगती हैं, आप इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के अंदर। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही यम्मी होता है, आपको पता ही होगा, और वैसे भी सेहत के लिए हमारा बहुत ही हेल्दी है। और मैं इसमें 15 से 20 जो है मूंगफली के दाने इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कच्ची मूंगफली होती है, मैंने उसका यूज़ यहाँ पर किया है। अगर इसको स्पून के तौर पर देखें तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मूंगफली के दाने लिए हैं। बहुत ही इजी है बनाना। फ्रेंड्स, आपके पास घर में जो कुछ भी अवेलेबल हो, अगर आपके पास सब्जियां नहीं है तब भी आप इसे बना सकते हो, प्याज डालकर बना सकते हो, मूंगफली डालकर बना सकते हो। तो बहुत ही इजी है ये रेसिपी, बहुत ही अच्छी लगती है। आप जीरा और प्याज का तड़का लगाकर और मस्टर्ड सीड का तड़का लगाकर इसे बनाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है तब भी। फ्रेंड्स, मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक का यूज़ कर रही हूँ। नमक से क्या होता है, नमक पहले डालने से कि हमारी जो ये मॉइस्चर आ जाता है सब्जियों के अंदर थोड़ा, तो ये अच्छे से सिक जाती हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, आप लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ही हल्दी का यूज़ किया और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च, सॉरी, गरम मसाले का यूज़ किया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें सिर्फ इनको फ्राई करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, जो हम सब्जियों को फ्राई करते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने 1/2 गिलास यहाँ पर पानी लिया है और उसका भी 1/2 मैंने इसमें डाला है पानी। हम पहले थोड़ा ही पानी का यूज़ करेंगे क्योंकि जो पोहा होता है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी जो है पोहे की ली है, आप जितना पोहा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी रख सकते हैं। और पानी भी आपको, मैं यही सजेशन दूंगी, आप थोड़ा थोड़ा करके डालें पोहे के अंदर, पहले आप थोड़ा सा पानी डालें और फिर पोहा डालें, और फिर अगर आपको लगता है कि पानी कम है तब आप इसके अंदर पानी ऐड करें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी नरम पड़ जाता है। और ज़्यादा नरम हो जाए तो पोहा
ऐसे खाया नहीं जाता, और ज़्यादा अगर खड़ा भी रहे तब भी नहीं खाया जाता। तो इसकी हमें जो कंसिस्टेंसी है वो हमें देखनी पड़ती है कि कैसे किस टाइप से बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पोहा कितना अच्छा तैयार हुआ है और एकदम से खिला खिला बना है, आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही अच्छा है। और इसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो 1 मिनट भी नहीं लगता इसको तैयार होने में, देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगली नई रेसिपी के अंदर, जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय।